नमस्कार, खबर प्रादेशिक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रविवार देर रात दिल्ली में हुई गैंगवारी के दौरान बदमाशों की गोली से शहीद हुए दिल्ली पुलिस के SSI विजय कुमार का उनके पैतृक गांव चिमनावास में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे दिल्ली के आप पार्टी के विधायक सुरिंदर कमांडो ने रेवाड़ी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि नौजवान विजय ने मुठभेड़ में देश के लिए एक मिसाल कायम की है। आज देश उनका ऋणी हो गया है, उनकी शहादत को सलाम। वहीं उन्होंने दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल से अपील भी की है कि विजय को शहीद का दर्जा देकर उसके परिवार के लिए 1 करोड़ मुआवजे का ऐलान करें और शहीद परिवार के एक सदस्य को दिल्ली सरकार या दिल्ली पुलिस में नौकरी दें। दिल्ली के अंदर जो कल रात को मुठभेड़ हुई, जिसमें रेवाड़ी का एक नौजवान ASI विजय कुमार उस मुठभेड़ के अंदर बदमाशों से लड़ते हुए वहाँ पर शहीद हुआ। उन्होंने अपने कर्तव्य निष्ठा को वहन करते हुए ईमानदारी के साथ जो शहादत दी है, उसका पूरा देश उसका ऋणी रहेगा। और मैं दिल्ली सरकार से गुहार लगाई है कि दिल्ली सरकार उसे शहीद का दर्जा दे और माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी उसके परिवार को शहादत के रूप में 1 करोड़ रुपये की राशि दे और उसके परिवार के एक सदस्य को दिल्ली सरकार या दिल्ली गवर्नमेंट या दिल्ली पुलिस के अंदर परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए ताकि उसके बच्चे अपना जीवन आराम से आने वाले टाइम में व्यतीत कर सके। सर, क्या उसके परिवार के लिए क्या किसी प्रकार की सुरक्षा की भी डिमांड करते हैं आप? उसके परिवार ने अगर इस तरह की कोई दिक्कत होगी तो उसके परिवार की सुरक्षा के लिए भी डिमांड की जाएगी दिल्ली पुलिस से, परंतु उनका आपस का जो था व्यक्तिगत तौर से कोई दुश्मनी वहाँ नहीं थी। वो अपनी ड्यूटी एक पैरोल पर छोड़े हुए एक बदमाश के साथ में उसकी ड्यूटी कोर्ट के माध्यम से उसको प्रोटेक्शन दिला रखी थी, तो उनका जो गैंगवार था आपस की दुश्मनी के बीच में उसको बदमाशों ने अपनी गोली का निशाना बना लिया। तो जो भी जितना भी रहेगा उस परिवार के साथ, दिल्ली सरकार उस परिवार के साथ खड़ी है और हम उसके परिवार का जितना भी सहयोग हो पाएगा, उसने हरियाणा ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन किया है और एक मिसाल पेश की है पुलिस का, एक सैनिक होने की वजह से या एक सिपाही होने की वजह से उसने जो मुठभेड़ की है वो उसके लिए पूरा देश उसका ऋणी है। सब उसको, परिवार को, उसके माँ बाप को, उस बहादुर नौजवान के परिवार को मैं सलूट करता हूँ, नमस्कार करता हूँ कि उन्होंने हमारी सुरक्षा के लिए अपने प्राणों को न्योछावर किया।